रोज रोज मैंगो शेक बना के हो गए हैं बोर, तो कुछ इस तरह से बनाएं और सबके चेहरे पे मुस्कान लाएं। वाओ, माइंड ब्लोइंग, ये देखने में कितना क्रीमी है, कितना रिच है। गारंटेड बात है दोस्तों, आप इसको बनाते बनाते ही इसको पीना चाहेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं इंदु एक बार आपका फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल किचन मैराथन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी मैंगो शेक। तो आइए शुरू करते हैं हमारी झटपट रेसिपी। तो इसके लिए हम लेंगे दो आम, पिसी हुई चीनी, दूध, मलाई या क्रीम और सब्जा के बीज। दोस्तों, मैंने आम को छील के मिक्सी में ग्राइंड करके पल्प बना लिया है। ये देखिए दोस्तों, मैंने पल्प बना लिया है। ये कितना अच्छा दिख रहा है और कितना अच्छा कलर आया है। मलाई से क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम बर्फ़ को तोड़ के रखेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें बाद में टाइम कम मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके पास क्रीम नहीं हो तो मैं मलाई से आपको क्रीम बनाना बता रही हूँ। अब हम इस क्रीम को हैंड ब्लेंडर या चम्मच की मदद से फेंटेंगे। तो दोस्तों, मैंने मलाई को जस्ट अभी फ्रिज से निकाला है। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसको हम ब्लेंडर से फेंटेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसको 5 मिनट पहले फ्रीजर से निकाल के रख लें। और दोस्तों, चम्मच से भी हम इसको बहुत अच्छा फेंट सकते हैं। तो दोस्तों, जिस बाउल में आप क्रीम को फेंट रहे हैं उसके नीचे बर्फ़ ज़रूर रखें, क्योंकि इसका ठंडा रहना ज़रूरी है, नहीं तो हमारी क्रीम प्रॉपर नहीं बनेगी। इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेंटेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें क्रीमी टेक्सचर आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, हमें जो क्रीमी टेक्सचर चाहिए वो लगभग हो चुका है। इससे ज़्यादा अगर आप फेंटेंगे तो ये बटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारी क्रीम कितनी अच्छी बनी है। इस तरह से बनाएंगे तो आपकी क्रीम भी 100% ऐसे ही बनेगी। तो दोस्तों, हमारी क्रीम रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी। तो दोस्तों, अगर आपके आम मीठे हैं तो आप चीनी कम ऐड कर सकते हैं, और अगर ये फीके हों तो आप अपने हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। अब चीनी को हल्के हाथों से जल्दी से मिला लेंगे। हमको चीनी को बहुत ज़्यादा देर तक और बहुत ज़्यादा तेज नहीं फेंटना। हमारी क्रीम मीठी हो गई है, अब वक्त आ गया है हम इसमें ऐड करेंगे आम का पल्प। दोस्तों, कितना अनोखा संगम है, दोनों ही स्वाद से लबालब चीज़ें आपस में मिलने जा रही हैं। हल्के हाथों से हैंड ब्लेंडर या चम्मच की मदद से दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। दोनों को अच्छे से 30-40 सेकंड तक मिलाना है ताकि दोनों अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। तो ये हमारी क्रीम रेडी हो चुकी है, अब हम शेक की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए लेंगे हम आधा ग्लास दूध, मीठा और चिल्ड, और इसमें 1 या 2 क्यूब बर्फ़ की भी ऐड करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा हाफ ग्लास रेडी है और अब टाइम है इसमें मैजिक करने का। और ये मैजिक है हमारा रिच क्रीमी मैंगो पल्प। तो हम इसको धीरे धीरे और खूब सारा डालेंगे, क्योंकि ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा। हमने जो आम लिया था वो अब आम नहीं रहा है, इस ग्लास में स्वाद का बादशाह बन गया है। ये देखिए दोस्तों, जब ये देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है और आप जब इसको खुद बनाएंगे और इतना अच्छा बनेगा कि आप फूले नहीं समाएं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ सब्जा के बीज, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें काजू बादाम की कतरन भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल तैयार है। कैसा बना है एक बार ज़रूर बनाएं, और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका ये कैसा बना। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।